ये देखिए ये 30 days के बच्चे हैं और ये हैं 2 महीने के, अब 2 month के। अब ये बाजार में आपको कोई भी बंदा 30-35 दिन का बच्चा 45 days का कह देता है। 15 दिन बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अभी इनकी एज नहीं है क्योंकि टॉय ब्रीड ग्रुप में आता है, टॉय ग्रुप में ही आता है, मीडियम में आता है, मीडियम मीडियम ग्रुप में जो ऐसा है कि 2 महीने का पपी होता है उसका बॉडी वेट जो है करीब 5 किलो के करीब हो जाता है, नियर अबाउट 5 kg। एंड प्रॉपर जो देख रहे हो आप बच्चा प्रॉपर एक्टिव है, प्रॉपर हैवी है, अभी इसकी प्रॉपर एज है सेल होने के लिए। नया कस्टमर इसको मतलब अभी लेके जा सकता है, नई फैमिली में अभी एडजस्ट होना इसको आसान है। बट जैसे जे पपी आप देख रहे हो, जे अभी सिर्फ 45 days का पपी है ये वाला, अभी इस पपी को हम ये नहीं कह सकते कि ये रेडी है सेल के लिए, नई जगह पे जाने के लिए। ये 30 days के हैं, ये 45 days, ये 2 महीने। ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा कि कौन सा पपी आपको 2 महीने का लेना चाहिए। अगर ऐसा बच्चा होगा छोटा देखने में ना लो, 15 दिन वेट कर लो, 56-60 दिन का ही बच्चा लो जो लीगली गवर्नमेंट भी कहती है कि यही बच्चा बिकना चाहिए। अब ये तो हो गया कि उन्होंने स्ट्रक्चर कैसा तैयार किया, जैसी उनकी खुद की बिल्ड है वैसे उन्होंने डॉग ये तैयार किया। दूसरी बात, बच्चा कभी भी आप लेने जाओ उसकी आवाज़ चेक करवा लो, अगर वो खड़खड़ कर रहा है तो नहीं लो। और कितने महीने का बच्चा लेना चाहिए इसका, मतलब कम से कम कोशिश करो कि 2 महीने का पपी होना चाहिए। एंड जब भी आप पपी लेने जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल पपी चेक करो प्रॉपर, मतलब पपी की फर्स्ट ऑफ ऑल आइस चेक करो, आइस उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड देन उसका नोज चेक करो, नोज में से कुछ भी पानी वगैरह ना निकलता हुआ हो। एंड अगर पॉसिबल हो तो उसको कुछ खाना खिला के भी देखो, उसको खुला छोड़ के भी देखो, मतलब जूरिन कैसा कर रहा है, वो पोटी कैसी कर रहा है, ये चेक करो। एंड पपी जो है प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर खेलता कूदता होना चाहिए। एंड पपी की जो है टॉप लाइन चेक करो कि उसकी टॉप लाइन में कहीं मतलब जॉइंट्स में कोई आपको दिक्कत तो नहीं लग रही, उसकी टॉप लाइन ठीक होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, हाँ स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड प्रॉपर चेक करके ही पपी लो, एंड उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई हुई होनी चाहिए, उसका वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड साथ में लो। एंड सर्टिफाइड पपी लो, जो मेन बात है KCI के अंडर जो पपी रजिस्टर्ड हो वो ही पपी लो आप। अब ये ब्रीड की एक और खासियत बताता हूँ, पहले ये जब नई नई आई थी तो ट्रेनिंग भी नहीं लेते थे, अग्रेसिव कहते थे लोग इसको, लेकिन अब ये ब्रीड बड़ी अच्छी हो चुकी है, इंडियन वेदर के हिसाब से भी अडॉप्ट कर चुकी है, साथ में ये ट्रेंड होना शुरू हो चुके हैं। अब तो ऐसे ट्रेंड होते हैं, अगर ये बाथरूम नहीं कर रहे आप 2 दिन अंदर रख लो, ये अंदर बाथरूम नहीं करेंगे, ऐसे तक ट्रेनिंग होनी शुरू हो चुकी है। बालों का आपने ख्याल रखना है, बाल अगर आप केयर कर सकते हो तब आप ये ब्रीड लेना, अगर आप नहीं केयर कर सकते तो प्लीज़ अवॉइड करना इस ब्रीड। बाकी इसकी ये तो आपको पता ही होगा, कलर पर्पल होता है इसका टंग का कलर पर्पल होता है। ये तो सारे देखो ब्रीड सेंटर आपको कभी भी गूगल कर लेना, अमेरिकन कैनल क्लब के भी मिल जाएंगे, रशियन के भी मिल जाएंगे, सभी के मिल जाएंगे, लेकिन ब्रीड सेंटर वही रहेगा, फेस वगैरह चेंज कर देते हैं या हाइट चेंज कर देते हैं, वो एक चलते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, वो ब्रीडर लोग ही करते हैं। कोई भी ब्रीड है उसको प्रॉपर प्योर रहने दीजिए, अगर आप एक महंगी ब्रीड नहीं रख सकते तो स्ट्रीट डॉग भी प्योर है उसको अडॉप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप वही डॉग लीजिए तंग होके ले लीजिए, क्योंकि एक डॉग रखने का मतलब है कि आपने हर महीने उससे खर्चा भी करना है, ये नहीं है कि आपने 30,000 का बजट लिया 30,000 का डॉग ले आए, उसको वैक्सीनेशन भी करवानी है, हर महीने उसका डॉक्टर का खर्चा भी होगा, प्लस हर महीने आपका फीड का खर्चा भी होगा या घर का खर्चा भी होगा। आप मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि चाइनीज अवॉइड कीजिए, देखने में चाइनीज सुंदर होगा, आप समझ गए ना। अब हम पटाखे लाते हैं दिवाली में, देखने में इतने इतने बड़े होते हैं, बाद में ठूस हो जाता है, बट वैसे ही इनका हिसाब है, देखने में सस्ता और देखने में सुंदर, वो होता है चाइनीज। तो जैसे अब ये चाइनीज है, कहाँ पर है वो, अभी इसका ये इसका नेचर ही मेरे ख्याल से अग्रेसिव होगा, अग्रेसिव है नेचर इसका, नेचर भी अग्रेसिव रहता है। वैसे 2 types आते हैं, ये देखिए अग्रेसिव होते हैं, सम टाइम बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये देखिए मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, ये तब भी यहाँ पर काटने की कोशिश करेगा, ये रहता है चाइनीज। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जिन्होंने ले लिया है चाइनीज, लेकिन चाइनीज चौ चौ को अवॉइड कीजिए। आगे आगे आपका थाई, थाई थोड़ा नेचर में अच्छा है, नेचर ठीक है, लेकिन स्नोटिंग की आवाज जो स्नोरिंग कर रहा है ये कर रहा है, आप देख सकते हैं सुन भी सकते हैं। ये आ गया रशियन, हमेशा रशियन चौ चौ ही रखिए, अगर अमेरिकन कैनल क्लब ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो वो बहुत सोच समय के सेट किए हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मैं कई ब्रीडर ऐसे भी देख रहा हूँ भैया कि रशियन को चाइनीज के साथ मेट करवा रहे हैं, भैया बच्चे बेचने के लिए नहीं, उसके हेल्थ इश्यूज पर ब्रीडिंग की जाए, उसी को एथिकल ब्रीडर कहते हैं। एंड जो लोगों का मेन लोगों को होता है ना कि चाइनीज बच्चे में हमें चाइनीज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें हमको हैवी फेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
रशियन में भी आपको हैवी फेस मिल जाता है, मतलब चाहो चाहो में एक तरह का या दो तरह का फेस तो आता नहीं है इसमें, मतलब पांच छह तरह का फेस आता है। जैसे मतलब जे देख रहे हो जे रशियन है डॉग हैवी फेस है, जे देख रहे हो आप जे थाईलैंड वाला है ना, मतलब इसमें टाइप्स ऑफ फेस आते हैं। जैसे एक तो होता है फ्लैट फेस, बिल्कुल अंदर को होता है, चाइनीज में आता है जो। एक होता है राउंड फेस, जो आप डॉग देख रहे हो उस साइड, उसका राउंड फेस है इतना, मतलब उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हैवी फेस है बढ़िया। एंड उसके बाद थोड़ा लॉन्ग फेस आ जाता है, एक शोल्डर वाला भी आ जाता है। मतलब मेन जो आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि पपी सांस लेते समय कोई भी वॉइस ना निकालता हो, एंड सिर्फ फेस के लिए आपको चाइनीज लेने की जरूरत नहीं है, आपको रशियन में भी हैवी फेस मिल जाएगा। फिर दूसरी बात, इसका खाने में क्या है वो हम भैया से पूछते हैं कि ये इनको खाने में क्या दे रहे हैं। ऐसा है कि हमारे पास कस्टमर बुकिंग तो 30 डेज के पपी की करवा देते हैं, इतनी एज के पपीज की बुकिंग करवा देते हैं, बट कस्टमर को हम पपी जब हमारा 2 महीने का हो जाता है एट दैट टाइम ही कस्टमर को पपी हम हैंड ओवर करते हैं। एंड इसकी डाइट की बात करें तो चाओ चाओ ब्रीड जो है बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है, इसकी फीमेल जो है नॉर्मल लीटर देती है, एंड 20 डेज तक तो देखो पपी सिर्फ मदर मिल्क पर ही रहता है, एंड उसके बाद पपी को साथ में सेरेलैक स्टार्ट कर देते हैं। 25 डेज के नियर अबाउट जब हो जाता है एट दैट टाइम उसको साथ में थोड़ी थोड़ी डॉग फूड जो है रॉयल कैनन मिक्स करने लग जाते हैं उसके खाने में। मेन बात है कि फीमेल एक महीने तक प्रॉपर केयर करेगी, आपको को इतनी कोई टेंशन नहीं होती, बस मेन बात यह है कि आपको मदर की प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, मदर को प्रॉपर हेल्थी डाइट देनी चाहिए, एंड दूसरी बात जो है उसको प्रॉपर जगह मेंटेन करके दो, लाइक जिस कमरे में डिलीवरी रूम जो भी आपका बना हुआ है वहाँ पर प्रॉपर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का आप ध्यान रखो बस, जो मेन बात है, और मतलब इतनी कोई केयर नहीं ज़्यादा होती, नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल केयर है इसकी। बाकी आफ्टर 30 डेज हम जो है फिर मदर का मिल्क धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं एंड डॉग फूड पे आ जाते हैं, डॉग फूड हो गया, दूध हो गया, साथ में कर्ड हो गया, एंड 60 डेज के तक उसकी प्रॉपर केयर हम करते हैं, प्रॉपर ध्यान उसका रखते हैं, वैक्सीनेशन उसकी करते हैं। उसके बाद जब कस्टमर ले जाता है तो कस्टमर जैसा भी उसको, मतलब डॉग के लिए एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, एक नई फैमिली मिलती है, तो जैसी फैमिली होती है जैसा फैमिली का लाइफस्टाइल होता है उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर जैसे मतलब उसको सेट कर सकता है पप्पी को अपने को, लाइक कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, जैसा भी है। मतलब जो मेन बातें हम कहते हैं कि डॉग को सिर्फ डॉग फूड पे मत रखो, उसको साथ में थोड़ा कुछ, क्योंकि हम भी एक खाना लगातार कंटिन्यू नहीं खा सकते, तो वैसे ही डॉग के साथ है। एंड डॉग्स को जो है मतलब पपीज़ को आफ्टर 60 डेज जैसे आप एग दे सकते हो, बॉयल किया हुआ हुआ एग हो गया, एंड 3 टाइम आपने 3 मील देने हैं डॉग को आफ्टर 60 डेज। उससे पहले हम जो है 30 डेज के बाद हम पपी को 4 मील्स देते हैं दिन में। अगर तो आपके मतलब एग आता है घर पे तो कस्टमर उसको एग दे सकते हैं, अदरवाइज आप पनीर दे सकते हो साथ में, दूध हो गया, कर्ड हो गया, बाकी डॉग फूड दे सकते हो आप दिन में उस। अच्छा दोस्तों ये तो चलो डाइट का हो गया, अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जितने भी यूट्यूबर ब्रोकर्स देखते हो वो जो एक एक बच्चा दिखा के आपको ब्रीड का स्टैंडर्ड बता रहे हैं वो विकिपीडिया से या गूगल से, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। हमेशा ब्रीडर के घर जाइए, ब्रीडर के पास उसके मदर फादर देखिए, ब्लड लाइन के बारे में पता कीजिए। पिक ऑफ द लीटर मोटा बच्चा कभी मत लीजिए, पिक ऑफ द लीटर वही होगा। कल मेरी ना एक जज से बात चल रही थी, मैं आप कैसे पिक ऑफ द लीटर चूज करते हो, वो ब्रीडर भी थे जज साहब, तो उन्होंने बोला भैया 15 महीने से पहले अगर कोई बंदा पिक ऑफ द लीटर बता रहा है तो वो खुदा है, मतलब अगर वो 15 महीने से पहले बता रहा है। इसलिए छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा मोटा बच्चा ना देखिए, हमेशा ब्रीडर के घर में जाइए, बच्चे देखिए, 6-7 बच्चे देखिए, आपके हिसाब से जो एक्टिव बच्चा है खाना खिला के देखिए, आपके हिसाब से जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है वही बच्चा ही चूज़ कीजिए। बच्चा कितने का होता है वो आपको जानकारी यही देंगे, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंधु साहब का बहुत बहुत थैंक यू जो हमें अपने कैनल में घुसने भी देते हैं, और फेसबुक इनका पेज भी आपको मिल जाएगा नीचे, उसको भी फॉलो कर लेना। चाओ चाओ लवर हो इनको कॉन्टैक्ट करना है, चाओ चाओ रखा हुआ है घर में, चाओ चाओ के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और थैंक यू दोस्तों इतना वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक लाल कलर का नीचे है बटन, उसको दबा दीजिए और वहाँ पर घंटा है उसको बजा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।